वेलकम बैक टू आर न्यू इंदर ब्लॉग। तो अभी हम जा रहे हैं कहीं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, और हमारे साथ में प्रशांत भैया, और अभी हम लोग हैं जीवन ज्योति के पास। ये रोड पे देख सकते हैं साइकिल चल रही है, ये रोड पे साइकिल चल रही है और टोटो चल रहा है, और हम लोग भी चल रहे हैं। हाँ, वो दिख ही रहा है। कहाँ जा रहे हैं प्रशांत भैया? बस निकल गए हैं, झूला निकाल के, झूला लेके कहाँ जा रहे हैं प्रतिभा? कहाँ जा रही हमने? जिम जा रहे हैं फिलहाल, अभी तो सुबह सुबह हुआ है। बॉडी दिखा दे एक बार अपन, बॉडी तो बॉडी ये है, सिकिया पहलवान तो बुला रहा है अंदर, लेकिन जाएंगे नहीं, पैसा नहीं है हमारे प्रशांत भैया के पास। पता है कि इसको भी सेट लेंगे हमारे पास। हमको तो एक किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, और हम लोग पहुंच चुके हैं सीता रसोईया, और सामने है इसका टिकट 20 रुपया है, लेकिन जा नहीं रहे हैं इसमें। और कुछ इस तरह बैठने लायक सुविधा बना हुआ है यहाँ पे, बहुत सारी लगा हुआ है। और इसके अंदर पहले जाते थे, पहले ये फ्री में था, लेकिन अब क्या है ना कि इसमें 20 रुपये टिकट लगने लगा है, तो इसलिए हम लोग जा नहीं रहे हैं। कौन जाए, 40 रुपये खर्चा हो जाएगा, 40 रुपये में कुछ खा पी लेंगे। ये पहले फ्री में जाकर, फ्री में जब था ना, बहुत बार गए थे, तो अब जाने का मन नहीं कर रहा है। तो कुछ इस तरह है, अंदर से दिखा देता हूँ आपको, कुछ ऐसा है ये। तो अभी चलते हैं, बोर हो रहे थे तो सोचा कि चलो सारनाथ का राउंड लगा कर आते हैं। तो हम और प्रशांत भी आ चुके हैं, और बाकी ये मतलब कल रक्षाबंधन है, तो कल रक्षाबंधन का भी ब्लॉग करूँगा, लेकिन अभी सारनाथ में हूँ तो सारनाथ का ब्लॉग कर रहा हूँ। और टिकट घर उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, कुछ लिखा है चौखंडी स्तूप। पहले इसका नाम सीता रसोईया था, लेकिन अब पता नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है चौखंडी स्तूप। तो रहा टिकट घर, कितना खतरनाक लग रहा है यार, क्या ही मौसम है, और ये पेड़ उसका सुंदरता और बढ़ा दे रहा है। वाह यार, मस्त मौसम है एकदम, बवाल। ये हमेशा फ़ोन पे ही बिजी रहते हैं, पता है कौन कॉल करता है कि हमेशा फ़ोन पे ही बिजी रहते हैं। मोबाइल हट जाए इनसे तो मर जाएंगे हमको लगता है। कंपनी कॉल, अच्छा कंपनी कॉल कर रही है आपको, ऐसे कोई कॉल कर भी नहीं सकता कंपनी के सिवा। ये मेरा हिडन टैलेंट है, और इसको मैं हिडन ही रखूँगा। और कैसे करते हैं? पहले गाना तो कंप्लीट करा पूरा। अरे मतलब तुम गाओ ना। हाँ तो हम वर्ड देवा, तो हमने कोने वर्ड से गाई, किसी से भी गाओ। नहीं नहीं चलो ये से गाओ, ये से ऐ दिल है, ऐ दिल बड़ी मुश्किल। बंद कर वीडियो, हो गया पूरा। तो हमारे प्रशांत भी आगे आगे जा रहे हैं, और बाकी इंस्टा पर रील बनाने के लिए यार, तो ऐसे खड़ा बनाओ ना। चलिए बना दूंगा बाद में। अरे नहीं प्लीज बना दे यार, बाद में बना दूंगा ना। और सामने है गौतम बुद्ध भगवान का, ये कितना फीट ऊंचा है, कितना फीट ऊंचा है, मजाक करेंगे। इसमें मछलियाँ भी हैं, और वहाँ पे भी है बहुत सारी। और ये है मंदिर, कुछ आइए यहाँ पे लिखा होगा कितना ऊंचा है, कुछ इस तरह है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं सारनाथ, और वहाँ पे क्या भैया वो एंट्री गेट किस बात का है? मदारी वाला, मदारी देखिए इनका, तो ये सब दुकान लगी हुई है साइड साइड, बाकी अंदर एक पूरा अच्छा वाला गार्डन बना हुआ है, और कुछ इतिहास है बहुत पुराना है, लेकिन उसका टिकट है 40 रुपया, तो उसमें भी हम लोग नहीं जाने। हाँ 20 रुपये, 40 रुपया है भैया, 20 रुपये में गया था एक दिन, हम भी गए थे 40 रुपये में था, मैं गया था, मतलब कि 20 रुपये टिकट है। हाँ। तो 50 रुपये लगा था, मतलब मुझसे नहीं हो रहा था पेमेंट। हाँ। पेटीएम उसमें काम नहीं कर रहा था जी, तो अरे नहीं गया था 20 रुपये, और हम गए थे 40, पता नहीं किस कौन सही बोल रहा है, लेकिन हम सही बोल रहे हैं, तो इसलिए हम लोग नहीं जा रहे हैं।
कुछ नहीं लेना है पैसा, झुमका दिलाऊंगा कंगन। तो यहाँ पे हम लोग खीरा ले रहे हैं 1 किलो, क्योंकि भूख लग चुका है और खीरा फायदा होता है, तो मस्त एकदम कटवा कर नमक छिड़क कर खाया जाएगा। वी आर ईटिंग, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या कुमार, वी आर ईटिंग खीरा। आई नो द मीनिंग ऑफ इन इंग्लिश बट ट्राई टू मेक फनी ब्लॉग, वो हो नहीं पा रहा है मेरे से, मैंने पता है। ताकि बगल के खेत में से हम लोग तोड़ कर खाते थे, और आज एक समय है कि हम लोग 40 रुपया किलो खरीद कर खा रहे हैं। तो आई सारनाथ रेलवे स्टेशन, सारनाथ, और इसका मेन एंट्रेंस यहाँ पे होता है, और यहाँ पे समुद्र का पानी बीच है। तो हम लोग एक ग्लास जूस पी रहे हैं मौसम्बी का, पैसा 2 गिलास पैसा ये दिए हैं, पहचान दिया। वो ऐसा हो सकता है कि पैसा देंगे नहीं है, केला खिलाए, सेब खिलाए, जूस पिला रहे हैं, क्या लोगे। अच्छा तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि सारनाथ गए तो मतलब हम लोग क्या है, एक अचानक रैंडमली मतलब प्लान बन गया, चलो घूम कर आते हैं और देख सकते हैं कैसे आए हैं आप मेरे पे, और हम अभी तक हम लोग नहाए भी नहीं तो लेकिन पसीने पानी से नहाएगा वो क्या बदलेगा, लिबास बदलेगा, आगे पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा, कुछ नहीं बदल रहा है, पर यहाँ पसीने से भीग गए लेकिन कुछ नहीं बदलने वाला। और अभी हम लोग जा रहे हैं घर, तो घर चलते हैं। तो आज वैसे सारनाथ में बहुत मज़ा आया था, मतलब मेला का आखिरी सोमवार चल रहा है, मतलब हफ्ता चल रहा है, इस मतलब कल सोमवार है तो कल लास्ट तक रहेगा, उसके बाद हट जाएगा 1-2 दिन में, और उसके बाद ना झूला रहेगा ना मेला रहेगा, बस टूरिस्ट आते जाते रहेंगे। लेकिन हम लोग सोचे कि चलो आज घूम लेते हैं, मतलब ना नहाए ना ब्रश के, बस ना नहाए थे ना कुछ किए थे, बस चले गए थे बस सारनाथ से पूरा, मतलब रेलवे स्टेशन सब घूमे, फिर उसके बाद चले आए घर। तो हम आ चुके हैं घर, और प्रशांत भी अभी चले गए अपने घर, और शाम के बज चुके हैं 5, तो मैं 4 बजे सानी पानी इधर दे दिया हूँ, गाय जो कि अपना खा पी रही हैं। तो अभी घंटा बाकी है दूध निकालने में, तो दूध निकाल कर बस अपना काम हो जाएगा ख़त्म। तो इस ब्लॉग को इसी पर कर देते हैं आज ख़त्म। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक करें, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।